आज की वीडियो में जी हम करेंगे कि हम एक कॉर्नर विंडो कैसे बना सकते हैं, किस किस तरीके से हम एक कॉर्नर विंडो को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे हाँ पहला तरीका है कि आप एक मान लो आपने यहाँ पे वॉल लिया, ये आपने वॉल लिया। वॉल लेने के बाद हमारे पास विंडो के अंदर एक ऑप्शन होता है, अगर आप मोड फैमिली में जाते हैं यहाँ पे विंडोज, तो यहाँ पे आपको एक मिलेगी कॉर्नर विंडो, दिस वन क्लिक करें, ओपन करें और आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। आप टैब प्रेस करके, स्पेस प्रेस करके आप इसकी पोजीशन को कर सकते हैं कि अंदर बाहर जैसे भी चाहिए। जब आपको ये पोजीशन पे लगे तो आपको क्लिक कर देना, तो आपकी एक कॉर्नर विंडो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ओके आप इसको क्लिक करें, मान लो मैंने ये हटाया, क्लिक किया, अब ये है जो आपका विंडो कॉर्नर को, कि अगर आप ऐसे करते हैं तो कितना बाहर कितना अंदर वो कर सकते हैं। बट ओके अगर आप 3D पे जाके देखते हैं इस विंडो को, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कनेक्ट टू लेवल टू। अब अगर मैं 3D पे जाके देखता हूँ तो मेरे को कुछ इस टाइप की विंडो यहाँ पे नजर आएगी। ओके इसके अंदर बेसिकली क्या है कि एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग है और एक ग्लास लगा दिया गया है, और अंदर की साइड अगर देखे तो स्लैब दे दी गई है। जी अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे सील हाइट, और ये तो पता ही है कितना आप कर सकते हो, ठीक हाँ ओके है, यहाँ पे डायमेंशंस है वॉल का, जो वॉइड का पोर्शन थिकनेस है वो कितना चाहिए। मान लो मैं इसको यहाँ पे 200 करता हूँ तो देखो कहाँ पे इफेक्ट आएगा, जो ये वाला पोर्शन है, हाँ ये ओके वाला पोर्शन को आपको कितना चाहिए, जैसे जितनी स्लैब होती है उसके अकॉर्डिंग चाहिए, जी जी जितना भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। 300 चाहिए तो स्लैब वाला पोर्शन इतना आ जाएगा, ठीक है। ओके इंटरनल एंगल 90 डिग्री, अगर मैं इसको 45 डिग्री कर दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे वो बन नहीं पाएगा, डिलीट कर देगा। जो ये एंगल है, जो आपके स्लैब का एंगल है, वो 90 पे ही होगा बेसिकली। 90 पे है अगर ओके मान लो मैंने 100 कर दिया तो वो भी नहीं बन पाएगा, वो 90 डिग्री ही लेगा, ठीक ओके है। चलो सील हाइट और हेड हाइट आप चेंज कर सकते हो, इतना आपको पता है, जी ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम इसमें, आप सिलेक्ट करें और क्लिक करें एडिट टाइप पे। अब एडिट टाइप में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको रैप लेयर फ्रॉम एक्सटीरियर एंड रैप लेयर फ्रॉम इंटीरियर। अगर ये 102 है, अगर आप प्रीव्यू ऑन करते हो यहाँ से, अगर मान लो मैंने विंडो को यहाँ पे रखा, प्रॉपर्टी ओपन की और प्रीव्यू ऑन किया, प्रीव्यू बेसिकली जिस भी चीज पे आप क्लिक करोगे वो दिखाएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ओके अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो दिस इज फॉर इंटीरियर, दिस एक्सटीरियर एंड दिस इज फॉर इंटीरियर। ओके अगर मैंने 102 से हटा के 250 कर दिया यहाँ पे एंड अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे किस चीज में इफेक्ट आया। 250 किया तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कुछ एक्सटेंड हो जाएगा ओके ठीक है। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, एडिट टाइप करते हैं, मान लो मैं इसको 102 ही रखता हूँ अभी के लिए एंड ओके, तो ये इतना इफेक्ट नहीं देगा। अब मेन जो हमारी डायमेंशन है, यहाँ पे आपको पता है कि फ्रेम के मटेरियल चेंज कर सकते हैं। हाँ वॉल क्लोजर, ओके अगर मान लो मैंने इंटीरियर किया, अप्लाई किया, तो जो वॉल क्लोजर है वो अंदर की तरफ लग जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको नाइदर करता हूँ, अप्लाई करोगे तो हट जाएगा। अब मेन चीज जो हमारे पास है वो ये चीज है, डायमेंशन। डायमेंशन में जी सबसे मेन है सबसे पहले हाइट। अगर मैं हाइट इसकी 1200 की जगह मैं इसका 2100 चाहता हूँ हाइट, अप्लाई, तो हाइट आपकी 21 हो जाएगी। ओके विड्थ 910 की जगह मैंने 1500 कर दी, अगर मैं अप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे बोथ साइड वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके बट प्रॉब्लम क्या हुई इंक्रीज होने से, अब ये पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन हाँ तो को आपको हम कैसे सिलेक्ट करें, सेट करेंगे, आप बाहर जाएंगे अंदर कर देंगे हल्का सा तरीके से, क्लियर है। तो आप इस पे क्लिक करें, एडिट टाइप पे क्लिक करें, यहां पे अब यहाँ पे सारी चीजें हैं कि यहाँ पे विंडो बोर्ड प्रोजेक्शन, ये आपको दिखाएगा बेसिकली कि किसके बारे में बात हो रही है, कि ये बोर्ड का प्रोजेक्शन है 25 mm, ये क्या है, रफ विड्थ, रफ हाइट, ग्लेजिंग थिकनेस, जो आपका ग्लास लगा है उसकी थिकनेस कितनी रखनी है, जो आपका फ्रेम लगा है, आप यहाँ पे देखोगे फ्रेम के यहाँ पे जो ऑफसेट है फ्रेम का वो 50 mm का है, जो ग्लास का फ्रेम लगा है, कितना जी अंदर चाहिए कितना बाहर चाहिए वो चूज कर सकते हैं, फ्रेम की डेप्थ कितनी चाहिए, हेड हाइट कितनी चाहिए और आपकी सील डेप्थ कितनी चाहिए, मतलब आप कंप्लीटली यहां से चेंज कर सकते हैं। ओके ये तो हो गया इसके अंदर जो विंडो है, इससे भी बेसिकली आपका काम चल जाएगा। एक इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये दो विंडो इक्वल है, मेरे एक 800 है, एक 2100 है, इसकी वजह से आप ये है कि अगर मैन्युअली आपको बनानी हो हाँ तो कैसे बना सकते हैं?
चलो हम उसका भी काम करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले एक चीज समझने, मेरे पास दो वोल है जी, ये वोल है, ये वोल आगे तक कंप्लीट है। हाँ, इसके लिए मैं थोड़ा जॉइंट को समझता हूँ। हाँ, क्योंकि इसी के बाद वो कटिंग होगी। ये वोल यहां तक है और ये वोल यहां तक है, यहां से है, ओके। अगर मैं इसके जॉइंट को चेंज करूं, यहाँ पे आप वॉल जॉइंट्स क्लिक करें, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाला जॉइन आ गया। अगर मैं नेक्स्ट करता हूं तो ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, ये यहां तक आ जाएगी। हाँ, दोनों चीज क्लियर है? हाँ क्लियर है। दिस इज बट जॉइंट, नेक्स्ट वन इज मीटर जॉइंट, इसमें दोनों इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से। ओके, अगर आप स्क्वेयर ऑफ करते हो तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगी। स्क्वेयर ऑफ कहां पे काम आएगी? अगर आपके पास अगर वॉल है वो एंगल पे है। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे जॉइन लगाता हूं तो ये तो हो गया आपका बट जॉइंट, नेक्स्ट वन इज मीटर जो आपका इक्वल करेगा, एंड स्क्वेयर ऑफ में क्या करेगा, सामने स्क्वेयर ऑफ करेगा। ओके ठीक है, चलो अब इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वॉल इतनी है, ये वॉल इतनी है, वो हम कोई भी जॉइन यहाँ पे कर सकते हैं कि मेरे को बट जॉइंट में नेक्स्ट ये वाला चाहिए जो भी है। अब मैन्युअली मेरे को ये कट करना है पहली बात तो। अब कट करने के लिए एक तो तरीका मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं यहीं पे इस पे डबल क्लिक करूं और डबल क्लिक करने के बाद मैं यहीं पे ही इसका एक प्रोफाइल क्रिएट कर दूं। मान लो नीचे से मेरे को सील हाइट चाहिए 900, तो मैं एक ऑफसेट ले लूं 900 का नीचे से, ऊपर से भी मेरे को 900 चाहिए, और इधर से मैनुअली जितना भी आपको करना है जो भी लेंथ रहेगी आपकी विंडो की ना, ओके, वो मैं यहां से चूज कर सकता हूं। क्लियर है? ओके, ये मान लो मैंने कर दी यहाँ पे कोई आपकी 2100 ही मैंने यहाँ पे कर दी। अब मैं इसको इससे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, इसको कट कर दूंगा यहां से और इसको इससे मिला दूंगा, एंड फिनिश। तो अब आप देखोगे एक वॉल मेरी इतनी कट गई। अब मेरे को ये कट करनी है, इस पे डबल क्लिक करता हूं। अब ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, कैसी प्रॉब्लम वो भी देखते हैं कैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये मैंने हिडन लाइन किया, लाइन ली, इसी के सामने से मैं यहाँ पे मान लो 1500 कम करना है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे नीचे से इसको भी मैं कर देता हूँ 1500 और इसको मिला देता हूँ, और फिर वही यहां से स्प्लिट कर देते हैं इस वाले पार्ट को और इसको मैं आपस में मिला देता हूं कुछ ऐसे। अब करते हैं फिनिश, अब देखने आते हैं। बन गया स्पेस जी, ठीक है, अब स्पेस बन गया, अब इस पे विंडो कैसे लगाएं? हाँ, ठीक है, विंडो लगाने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, आप इसमें आप या तो स्वीप कमांड का यूज कर सकते हो जी, पहले नॉर्मल यहीं से करके देखते हैं ओके कि अगर हम इससे कर्टेन वॉल से ही बना पाए तो। हाँ, मैं लेवल वन पे जाता हूँ और यहां से लेता हूँ वॉल और यहां से लेता हूँ कर्टेन वॉल, नॉर्मल वाली ले रहा हूँ, ओके, और यहां से मैं ये वाली वॉल सेंटर और यहां से इसको ज्वाइन करके इधर की ये मैंने लगा, ओके, ठीक है। अब ये मेरे को सिर्फ इतना तक चाहिए, हाँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके दोनों को ही सिलेक्ट करके एक को सिलेक्ट करके इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूँ, इसको यहां तक, ऐसे ही इसको यहां तक और इसको यहां तक। क्लियर? ओके क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम फ्रेम लगाएंगे, फ्रेम लगाएंगे। फ्रेम लगाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मल्यन, ये फ्रेम लगा दिए चारों तरफ, ठीक है। अब बात आती है बीच वाले फ्रेम जी। अब बीच वाला फ्रेम अगर नहीं चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं एज इट इज रखना पड़ेगा। एक, हाँ, एक स्क्वायर बना सकते हैं हम। अगर स्क्वायर वगैरह कुछ बनाना है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक मलियन लगाता हूँ और वो लगाता हूँ एल शेप में, ताकि मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ओके, अब ये एक साइज हो गया बड़ा एल शेप में जब मलियन लगाया है। सबसे हाँ, पहले तो मैं टॉप पे चलता हूँ, इसको स्पेस इसको मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं फिर यहाँ पे इसको थोड़ा 30 mm स्क्वायर, हाँ, ये ट्राई करते हैं, और यहाँ पे मैंने 30 mm स्क्वायर लिया, ये इस तरीके से आपका यहाँ पे आ गया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे लगाए, ये 30 mm का स्क्वायर है,
बट यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है ना, तो आप इस पे एडिट पे क्लिक करके इसकी थिकनेस 30 mm की जगह मैं इसकी कर देता हूँ मान लो 70 mm है 70। अब ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो अटैच है ये बेसिकली इससे अटैच है क्योंकि इधर लगा है, इसके लिए नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन भी करता हूं तो ये ज्वाइन तो हो जाएंगे, बट जो फ्रेमिंग है, क्योंकि ये तो नॉर्मल फ्रेम आप लगाओगे, ये तो एक साइड लगेगा, दोनों के लिए मेरे को एल शेप में करना पड़ेगा। देखो कुछ इस तरीके से, क्योंकि इधर से भी कंटिन्यू चले, उधर से भी कंटिन्यू चले, और ये थिकनेस उतनी ही होगी जितनी नीचे की थिकनेस होगी, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फ्रेम लगेगा। ओके, बट अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि फ्रेम ना लगे, नॉर्मल कंटिन्यू ग्लास चले, अब कर्टेन ग्लास तो आपस में ज्वाइन नहीं होता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा जुगाड़। कर्टेन ग्लास अगर ज्वाइन नहीं होगा, मान लो मैं इस दोनों वॉल को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूं और यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, उसको सिलेक्ट करके थोड़ा मूव कर देता हूँ आगे की तरफ, ठीक है। ये तो कर दिया कर्टेन से, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो अब हम अपने तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने लिया है जी। अब मैं कहाँ पे जाऊं, कंपोनेंट मॉडलिंग प्लेस, कोई भी मान लो हम विंडो बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे विंडो पे ही क्लिक कर देता हूँ। ओके ओके, एंड अब उसके बाद सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, फ्रेम। फ्रेम फ्रेम के लिए स्वीप कमांड लेंगे, पिक पाथ लेंगे और ये वाला पाथ हम पिक करेंगे। अब इस पाथ में देखो यहाँ पे पिक नहीं हुआ तो हम इसको मिला देंगे ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर से। ओके, उसके बाद फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद एडिट प्रोफाइल करेंगे, टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ओके, अब ये प्रोफाइल आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, मान लो यहाँ पे तो डबल विंडो लगानी है डबल वाला, या फिर मैं डायरेक्टली रेक्टेंगुलर भी कर सकता हूँ, या छोटा भी कर सकता हूँ, या आईस वाई उसमें भी कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। मान लो यहाँ पे मान लो मैंने वैसे ही किया, आई वाला करते हैं, ये टोटल है मेरा 200, तो बीच में हम कितने एमएम का लें, 50 mm का, 50 mm, 50 mm लिया, यहाँ से मैंने 20 या 30 mm लिया और इधर से मान लो मैंने इसके सेंटर तक ले लिया, और इसको आप सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, ड्रो एक्सिस, ये मैंने ड्रो एक्सिस किया और लाइन की हेल्प से मैंने इसको क्लोज कर एंड फिनिश, एंड फिनिश। 3D पे जाओगे तो आप देखोगे फ्रेम, फ्रेम को सिलेक्ट करो और यहाँ पे मटेरियल को मान लो मैं यहीं पे डाल देता हूँ, वरना आपको पता है पैरामीटर बना सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं इसको मटेरियल डाल देता हूँ कोई भी जो मेरे पास अवेलेबल है, बट इसका कलर इसके वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको क्लिक करके और यहाँ पे कोई भी वुड का मटेरियल जो अवेलेबल है, कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं, मैं इसकी इमेज पे क्लिक करता हूँ और इमेज ही दूसरी चूज कर लेता हूँ। एल्युमिनियम भी यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम भी यूज कर सकते हैं, हाँ एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये रहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मैंने ले लिया। ओके, तो ये एल्यूमिनियम, ठीक है। अब क्या लगाना है, ग्लास। ग्लास, अब ग्लास लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल यही तरीका, किससे हो सकता है, स्ट्रिप से ही हो सकता है, ठीक है। ग्लास कैसे लगाएंगे थोड़ा सा बताओगे, एक्सट्रूड करके, मतलब अब ये जॉइन कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको एक अगर से पैनल हो जाएगा, बिल्कुल एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। अगर मैं टॉप पे जाता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक्सट्रूजन भी लू, एक्सट्रूजन लेने के बाद सेंटर से मैंने एक लाइन लगा दी, यहाँ से सेंटर और यहाँ से, ठीक है। अब जो थिकनेस चाहिए मान लो ग्लास की, मेरे को 10 mm की थिकनेस चाहिए, तो ऑफसेट लिया और यहाँ से मैंने 5 mm का ऑफसेट लिया इधर और 5 mm का इधर, मैंने यहाँ पे इधर और 5 mm का इधर, और लाइन की हेल्प से मैंने इसको कर दिया ऑफसेट 0 किया, क्लोज किया यहाँ से और बीच वाली लाइन को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, और सेम यहाँ पे बीच वाली लाइन को किया डिलीट और लाइन की हेल्प से मैंने क्लोज कर दिया, फिनिश। वन सेकेंड, क्या होगा, अच्छा यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो, ये ज्वाइन नहीं हुआ ना, हाँ ये ज्वाइन किया, फिनिश 3D।
अब वो कहाँ गया, नीचे आया वो, तो वायर फ्रेम अगर करूंगा तो ये आया यहाँ पे, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और लेफ्ट में जाके कहीं पे भी इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा इससे, ये आ गया ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे बस अब यहाँ पे मटेरियल हम किसका डालेंगे, यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लास मटेरियल, ग्लास मटेरियल लो, कलर वगैरह जो भी आपको करना है, ग्रीन भी जो भी है, रिफ्लेक्शन कितनी रखनी है वो आप रख सकते हो, आप ग्रीन कर सकते हो या रिफ्लेक्शन जितनी रखनी है वो चेंज कर सकते हैं, क्लिक ऑन ओके, ओके करोगे वो आपका ग्लास आ जाएगा, तो इस तरीके से विंडो बना सकते हो। तरीका कोई भी हो सकता है, सभी तरीके मैंने आपको बता दिए कि कॉर्नर विंडो कैसे बना सकते, कर्टेन वॉल की हेल्प से बनाओ, स्वीप पे जाके बनाओ, कैसे बनाओ आप, क्लियर है ठीक जी। और बताओ अभी इसमें अगर से हमको और ये एल्यूमिनियम पार्टीशन डालना है तो डाल दो, क्या प्रॉब्लम, अगर पार्टीशन डालना है, अगर उसे कनेक्ट करना है पार्टीशन को, तो पहले ही आपको स्वीप करना, अच्छा स्वीप का पाथ उसी तरीके से चूज करना पड़ता ना। अब अगर मैं यहीं से करना चाहूं तो कनेक्ट करने में प्रोफाइल बनाना पड़ेगा बेसिकली मुझे, ओके वो वाली, ओके ओके, वरना अगर आप पहले ही अगर कनेक्ट करना होता तो पहले ही आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते थे, जैसे कर्टन वॉल की हेल्प से बनाया था। हाँ ठीक है समझ गया मैं। हाँ अब कहीं पे भी जहां पे भी आपको बनाना है इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, ओके। और बताओ, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ अभी कुछ प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि ये विंडो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो कल हम फिर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, आज कुछ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है लगता है, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा आप वो देख लेना। हाँ ठीक है, अभी अगर से आप भी अभी लोड कर देंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैं अभी अपलोड करके मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है ठीक है, थैंक यू, ओके थैंक यू, ओके।